ये हूँ मैं एंड मेरे ऊपर अभी करेंटली 1000 से भी ज्यादा विदर्स पॉइंट में मेरे को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँचती है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये सब तब चालू होता है जब डीजीए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे डीएम में भेजता है, और जब भी मैं वो मैसेज ओपन करके देखने वाला हूँ तो तभी मेरे को डीएम आता है सेनपाई स्पाइडर का। क्या हुआ, मेरे को क्यों बुलाया? मैंने सुना कि आपने एक मशीन बनाई है एसएमपी में थोड़ी बहुत। हाँ एग्जैक्टली क्यों चलानी है क्या किसी पे? नहीं नॉट रियली। मैंने ये भी सुना कि वो काइंड ऑफ थोड़ी सी डेडली सी मशीन है, ऑलमोस्ट हर एक चीज को तोड़ सकती है। लाइक लिटरली पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी को भी मार सकता है। व्हाट अबाउट वाटर एंड ऑब्सीडियन डीएक्स, उसको भी तोड़ सकती है? वेल काइंड ऑफ टीएनटी है, सो वो थोड़ी सी लिमिट्स हो जाती है उसकी, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। लेट्स सी कि आप उसको तोड़ पाओगे नहीं। मेरे पास, मैं आपको कोड्स दूंगा मेरे सीक्रेट बेस के। ओके, अगर आप उसको मेरे बेस को तोड़ सकते हो यूजिंग योर मशीन, बेसिकली अ चैलेंज। अच्छा, मेरे को चैलेंज कर रहे हो फिर? इनडायरेक्टली यस, लेट्स सी। ओके ओके ओके, अगर चैलेंज कर रहे हो तो क्या तुम उस बेस में होगे जब मैं मशीन को चला रहा हूं? शायद से हो, अगर आपका लक अच्छा तो होगा। ओके लेट्स सी, आई विल टेक द चांसेस। या इट्स लाइक अ फ्रेंडली चैलेंज, मेरे ख्याल से हम दोनों को करना चाहिए, इट्स फन। ओके लेट्स गो, काफी अच्छा है और अच्छा मौका भी है, मैं ये चांस नहीं छोड़ने वाला, आई एम रेडी। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैंने इस सर्वर में एक ऐसा मशीन बनाया जो लिटरली कहीं भी किसी को भी मार सकता है। इसी का यूज करके लास्ट बार मैंने PSG1 का बेस फोड़ा था, बट अचानक सेनपाई आके मेरे को ये चीज करने के लिए बोलता है तो मेरे को बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लगता है। तभी मेरे को डीजीए के मैसेज का याद आता है। उन लोगों को पता है क्यों बुलाया मैंने यहाँ पे? क्यों? क्योंकि जो डीएक्स ने नया मशीन बनाया ना, वो हमारे लिए एंड वॉर में प्रॉब्लम कर सकता है। मेरा बेस उड़ा दिया था उसने उससे। एक्चुअली उसके मशीन में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्लॉ है, पता है? हैं, फ्लॉ यही है, जाके रेस्टोरेंट तोड़ दो उसका, मशीन बंद हो जाएगी। एक तो तोड़ देंगे लेकिन उसने बहुत सारी मशीन बनाई है। एक्चुअली मैं गाइस, फ्लॉ ये है कि वो जो मशीन है सिर्फ और सिर्फ ओवरवर्ल्ड में काम करती है, तो अब क्या करें? बट उसका मशीन TNT यूज करता है ना, तो वो ऑब्सीडियन और वाटर के सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा। वेट गाइस, आई हैव अ प्लान। पीजी ने जो मेरे को वीडियो दिया था उसको देख के मेरे को लग रहा था कि भाई कुछ तो सीरियस होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर जरूर रहना पड़ेगा, ये लोग एंड वॉर के लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि भाई अभी से अभी मेरे को काम पे लग जाना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा जो मशीन था वो बस TNT छोड़ता था, तो इसीलिए मेरे को हेल्प चाहिए था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं, तो इसी चीज के लिए मैं अपने गैंग के साथ मिलकर बेसिस रेड करने लग गया। देखो, एक चीज के लिए तो आपने ऑलरेडी बोला कि आप सोचने वाले हो कि भाई हाँ ज्वाइन, मतलब हमारे साथ एक ही फ्रेंडशिप मेंटेन करोगे कि नहीं। अब दूसरी चीज, अगर कुछ मिला, अगर उसका डिसीजन आप पक्का नहीं कर पा रहे हो, देन आप जो है वो करोगे, लाइक लिटरली एंड वन में, मतलब समझ लो हम कुछ भी मांग सकते हैं कभी भी, एंड जब भी वो मांगे वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लिटरली हो सकता है, या फिर कुछ और मिले तो उससे गिनती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। एंड वॉर में तुम कुछ भी मांग लो, कि जैसे कि एंडर ड्रैगन है या किसी को बिट्रे करना है या फिर ये उसको मारना है, तो वो चीज उसके वर्थ इट नहीं होगी ना। हाँ, और अगर उस सामान को मैं नहीं लेता हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स गो टू सेनपाई'स बेस। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर स्पॉन के ये जो अपना सर्कल बना है स्पॉन का, उसके अंदर ही था कहीं पे, ढूंढ लो चारों साइड पे, हो सकता है अंदर या बाहर उसके कॉर्नर पे था सर्कल पे। $10 ही मिल रहा है इस पे। उसने कुछ रखा नहीं है, चालू बंदा भाई। अरे ये तो मैं पहले देख के जा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या पता घरों के अंदर छुपा दिया हो तो। वेट अ सेकंड, कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस तो मेरे को लग रहा है इधर। ये वुड जो है ना वो मिसप्लेस्ड है। मैंने एन्चेंटेड एप्पल पहले ले लिया, इसका डील था भाई। एन्चेंटेड इनविजिबिलिटी, अब समझ में आया, बंदा इनविजिबिलिटी इधर रखता था तभी इतना इनविज पोशन यूज करता था हर फाइट पे। हम लोगों को सबको इक्वल हार्ट्स पे चाहिए और सबसे ओपी गेस चाहिए। यार लेट्स गो यार, कहां इसी बात पे चलो, नेदर में आओ यार। ऑलराइट गाइस, ये देखो, दिस इज द गोल्ड फार्म 6969। लेकिन नहीं, तू अभी भी बोल रहा है, दो और 6 लाइन है इसके अंदर।
Yes, it's Gold Farm 696969. Let's go. Yes, oh. Yes, 696969669. Yes. And मैंने इसको ग्राउंड से थोड़ा ज्यादा ऊपर बनाया, ठीक है ना, एंड अपल करके ऊपर जाना पड़ेगा. Okay, finally. Finally. Let's go, bro. Bro. Okay, ये मैंने थोड़ा सा तो एक सेव के करा था, बिल्कुल लिटिल सा. हाँ, ये देख थोड़ा सा गोल्ड. तो यस, गोल्ड की समस्या तो नहीं है भाई, हम बस इधर एफ के करेंगे, उधर बस लूटिंग का है भाई सेटअप पूरा. चल अभी जो है गोल्डन एप्पल्स क्राफ्ट करते हैं. लेट्स गो, थोड़ा एफ के करते. ब्रो, यप. ब्रो, लेट्स गो. हमें एक काम करते यार, ये सेनपाई बहुत ज्यादा शल्कर रखता है ना पीपी करते करते. Yes. हम पूरे शिल्कर भर के गोल्डन एप्पल सकेंगे. वेल, लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. आज पूरी रात एएफके करने वालों में गोल्ड फार्म में, पूरी रात, ठीक है. लेट्स गो. ये शल्कर बॉक्स पूरे के पूरे गोल्डन एप्पल से भरने, ठीक है. एंड आई थिंक सो, तेरे पास विलेजर है ना, तेरे पास विलेजर्स है ना. हाँ. अरे तो फिर एक काम कर, पहले तो मैं इधर एएफके करता हूं, मैं नीचे गिर गया. सुन, मैं उधर एएफके करता हूं. सुन, मैं जा रहा हूं उधर एएफके करने. एंड तू दोनों जाके जो है शल्कर बॉक्सेस को पूरे एप्पल से भर के लेकर. ओके, सो फाइनली यार, फाइनली, ओह माय गॉड, ये काम कंप्लीट हुआ. हेलो डीएक्स. हेलो, यो भाई, पूरी रात एएफके करा हुआ. एंड अभी थोड़ी देर पहले मेरा क्राफ्टिंग सेशन खत्म हुआ. सी दिस डीएक्स, इधर देखो. लेकिन हमारा देखो, Oh my God! Oh my God! Yes, let's go. अभी को एक yes. पूरा पूरा भाई, सब एक एक शल्कर गोल्डन एप्पल. अब बताओ गाइस, तुम लोग किसको सपोर्ट करोगे? डाकू गैंग ऑलवेज ओपी. Yes. सबको बोलो भाई, डाकू गैंग दी वॉर गॉड. डाकू गैंग दी वॉर गॉड. Let's go. Okay, so let's go. इसको जल्दी से क्राफ्ट कर लेते गाइस. By the way, DX, हम लोगों को hearts भी craft करने हैं. मुझे 12 hearts चाहिए. hearts तो craft करनी है, but तेरे को लगता है कि सिर्फ golden apples enough है हमारे लिए? नहीं. No. We are war gods. We need notches. We need notches, bro. तो कहाँ से लाएंगे? Ancient city, obviously. Ancient city, bro. अरे लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा यार. लेकिन ठीक है, कोई ना, चलो. अबे क्या भाई, टाइम लगेंगे भाई, तीनों भाई अभी फुल प्लान करके चलेंगे. मेरे पास फुल प्लान है, चल. उससे पहले आसान को पोशन का ऑर्डर दे देते. जितना इसने तुझे पे किया ना, उतना तो इस बंदे पे भी नहीं मिल रहा है. अच्छा, चल क्या बोलते हैं, मैंने तेरे को पे तो कर दिया है, अब सुन ले, ऑर्डर तो सुन ले. 10 शल्कर बॉक्स पोशंस के चाहिए, 7 शल्कर बॉक्स स्ट्रेंथ पोशंस चाहिए, 2 शल्कर बॉक्स स्पीड पोशंस चाहिए, 1 शल्कर बॉक्स इंस्टेंट डैमेज का पोशन चाहिए. ऑलराइट, हसन डन. यो हसन, रेडी है, ऑर्डर रेडी. ओह, लेट्स गो, लेट्स गो. यस, बाय द वे, हसन ने एक्चुअली 14 शल्कर बॉक्स दे दिया ब्रो. वेट, 4 एक्स्ट्रा दे दिया, जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा दे दिया. वेट, वापस आ चुका है. लेट्स गो, भागो. कोई आइटम रिटर्न नहीं होता. ओके गाइस, देखो अभी अभी क्या बचा है हमारे पास, क्या चाहिए हमको? हार्ट्स, हार्ट्स, एक्सपी, वेट, एक्सपीरियंस बॉटल. मेरे पास एक एफपी का आइडिया है. क्यों ना हम अपने इन्वेंटरी में सब लोग विदर बनाने का सामान रखें. Wait, that's a really good idea. That's a really good idea. Bro, जहाँ भी fight होगा, तुरंत spawn कर देंगे. वही तो भाई, बहुत सही idea है. ये करते. मेरे पास, you know what? मेरे पास बहुत सारा soul sand है and 2-3 skulls है, but उससे काम नहीं होगा. लेकिन विदर skull का farm है अपने पास. Farm है ना? हाँ. Farm से एक काम करेंगे. ये काम ना bulky को देंगे, ठीक है? गाइस, इसी बात पे मेरे हार्डकोर की वीडियो देख के आना, 200 वाले कलेक्ट किया मैंने जो, और मैं बहुत जल्दी उसका रिकॉर्ड बीट करने वाला हूं. सब्सक्राइब. क्रीपिंग तो अलाउड है ना इधर पे, मतलब क्रीपिंग तो सब अलाउड है, तो इसके बेस में चलते. वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड भाई. हां भाई, एक काम करते भाई, सबका बेस लूटते.
ये बहुत भाई अच्छा हम लोग बहुत डम है, हम क्यों जा रहे हैं एंशिएंट सिटी, हम यहीं पे जाके सारा बेस लूट सकते हैं। वही ना भाई, लेट्स गो। पहली बात तो इसका पर तो बटन था, इसका बेस का बटन आइए ना, मिल गया। हां आया, चले लेट्स गो कुछ है ब्रो, ब्रो इधर एंचेंटेड गोल्ड ब्रो, सीधे ब्रो मैं ले रहा हूं। अबे मेरे को भी भाई शेयर कर भाई, अच्छा ले लो। मैंने इसमें उसने मुझे याद है 13 था, मुझे याद है तो 14 है इन टोटल, 14 है टोटल के मेरे पास, एक 14 का हाफ 7। अबे 3 डिवाइडेड बाय 4 करना है इसको, हां 4 करना है तो कर। अबे साले मैं कैलकुलेटर दिखता हूं तेरे को, हेलो कैलकुलेटर, किसी और के बेस क्यों लेते हैं, लेट्स गो। किसका बेस, अरे किसका बेस, अकोपी वगैरह का बेस ब्रो, इनके पूरे बेस लूटते हैं ये लोग ने एक्चुअली इनके। एक सेकंड, उनका बेस, मेरे को एक का बेस पता है किधर है। हां मेरे को एक का बेस पता है किधर है, पता है, याद है उसको, मतलब लेकिन वो डिस्ट्रॉयड था यार, हमने ढूंढा था लेकिन ब्रो एक बेस को के पास जब इतने गोल्ड एन्चेंटेड एप्पल्स लेके घूमते हैं लोग, तो इसका मतलब ये लोग ने स्टोर भी करके कहीं रखा होगा। मेरे पास चाहे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस आ गए थे, बट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, वो था कि कैसे मैं सेनपाई का चैलेंज पूरा करूंगा। मैं अपने लिमिट्स तक था, मेरी मशीन इससे ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि पानी और ऑक्सीजन के अगेंस्ट वो काम आ पाए, मेरे को मदद की जरूरत थी। एंड तभी एक बंदा था टेक्निकल माइनक्राफ्ट टीम से, क्यूबिक मीटर, तो मैंने उससे हेल्प मांगा और उसने मेरे को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग विदर्स यूज करें। तो अभी जो नेक्स्ट मशीन बनने वाला है वो बहुत ज्यादा ही एपिक बनने वाला है। आई एम गोना सरपास माय लिमिट्स राइट हियर राइट नाउ। हेलो बल्कि, यो कितने दिनों से यहाँ पे जो है ओकेजनली आके कलेक्ट कर रहा हूँ। माय गॉड ब्रो, माय गॉड भाई, ये सब ऐसे मतलब एक छलकन में डाल ले भाई, कोई चुरा ले रहा है एंडवर भी तो है। अरे हाँ, अरे ये एफके कर रहा था मैं, बस ऐसे ही खाली छलकर ये राइस में भर देते हैं। Yes. भाई साहब मेरे को एक्चुअली ये चाहिए था, मैं यूज कर लूं। सुन ना, तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, बतानी भी है। चल मेरे तो यूज करेगा ना, मतलब सारे नहीं, थोड़े से मेरे को चाहिए, एंड बाकी तो एंड वॉर में यूज करनी है। चल ठीक है, अभी ले फिर कर लिए जितने यूज करने, बाकी एंड वॉर में यूज कर ले। एंड चेस्ट दे मेरा, एंड चेस्ट छोड़। चल मेरे साथ आ जा जल्दी, मैं दिखाना है। रुक, आ तो सही, आ रहा हूं। चल यो, हेलो, क्यों बोल रहा है यहाँ पर? मेरे को तेरा हेल्प चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा। वर्ल्ड बॉर्डर पर? हाँ यस, वर्ल्ड बॉर्डर पर। मेरे को इधर जो है अपना नेक्स्ट सीक्रेट वेपन बनाने में तेरा हेल्प चाहिए, एंड वो मेरे को जल्दी करना है एक्चुअली। यस, एंड इसी के लिए मैंने तेरे से कल मटेरियल्स भी मांगे थे उतने सारे, जिसमें तूने मेरे को बहुत हेल्प किया। लेकिन अभी तेरे को मैं एक स्कीमेटिक भेज रहा हूँ, तेरे को डीएम किया है। उस स्कीमेटिक का प्लेसमेंट जो है एग्जैक्टली ऐसे कर जैसे मैं तेरे को डीएम किया है कोऑर्डिनेट्स, उस पे प्लेसमेंट करके तेरे को मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताने। खाली लाइंस है ना उसमें, खाली लाइंस को देख के उसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स बताने, क्योंकि मेरे को बेडरॉक तक खोदना है अपने दूसरे मशीन का यूज करके। वेट ब्रो, क्यों? यस, बिकॉज़ ये मशीन जो है ना, ये मशीन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये मशीन इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये ब्लॉक्स फेज करके अटैक कर सकता है। I think हमें कुछ टेस्टिफिकेट्स मिले हैं, पीछे देखो। टेस्टिफिकेट्स? टेस्ट सब्जेक्ट्स? टेस्ट सब्जेक्ट्स, या, these are the test subjects, नहीं, actually बात ऐसी है, दूसरे मशीन को यूज करके ये मशीन बनवाना है मेरे को। हाँ, तो क्योंकि ये ब्लॉक्स फेज करके अटैक करता है, तो इसका मतलब कोई किसी ने अगर ये पुल ऑफ भी कर लिया एक बेडरॉक का केज बनाने में, तो उसके अंदर भी मैं फायर कर सकता हूँ। Bro, that's yes. cool, wait. I mean, bedrock का cage कोई नहीं बनाएगा, पर फिर wait, okay, cool. Okay. Ooh, wait. TG, देख कितना बड़ा explosion हुआ है. Oh my god, यार बस थोड़ा सा और चाहिए, थोड़े इधर जाने हैं, थोड़े उधर जाने हैं. Oh my god, bro, पूरा bedrock तक गड्ढा. Bro, let's go. ये मशीन कितना handy है, देख रहा है, इतना बड़ा project करने में मेरे को कितना time लगा, मैं मिनटों में कर रहा हूँ. Thanks to you, bro. Yes. So guys, quick update on this machine. My sub skeleton mera lag kar raha hai pura game. Oof. Bhai main to soch raha hu isko apna hardcore world bhi bana lu yaar, itna kaam ka cheez hai ye.
Oh my god, let's go, अभी भी बहुत ज्यादा काम करना बाकी है guys. Guys, काफी देर बाद फाइनली एक और अपडेट ये पूरा बना लिया हूँ मैंने एकदम इधर एंड ये काइंड ऑफ लाइक एक एल शेप बन चुका है, पूरा का पूरा बेडरॉक तक बनाया है मैंने एंड अभी बाकी का पूरा बनाना अभी भी बाकी है. Let's go guys. मैं फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स पे जाके देखने लग गया. मेरे को पता है मैं रात को आके देख रहा हूँ, ये काइंड ऑफ लाइक उसके चैलेंज के चीटिंग है, बट मैं चीटिंग तो नहीं करने वाला हूँ. मैं अपने मशीन से उसका बेस फोड़ूंगा, बट मेरे को थोड़ा सा देखना है कि उसने सच बोला है कि नहीं, इधर बेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं. मेरे को दिख रहा है ये एक पोर्टल है, तो आई थिंक इधर कहीं पे हो सकता है. मैं नीचे आके माइन करके देखता हूँ फिर. ओके गाइज, मेरे को लग रहा है वो सच बोल रहा है. ये देखो गाइज, मैं नीचे आया तो मेरे को दिखा. अभी करंटली सर्वर में कोई भी ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि करंटली रात के चार, एक्चुअली सुबह के चार बज रहे ऐसे टाइम पे. मैं बस चेक करने वाला हूँ. ओके, ये ट्रैप भी हो सकता था, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया. बट एनीवेज भाई साहब, ये सेनपाई का बेस है, अभी तो नहीं. सो मेरा जो मशीन है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गाइस, अभी इसको बस चलाने की देरी है. एंड द गुड थिंग अबाउट माय मशीन इज की ये विदर्स को लॉन्च करने वाला है. एंड उससे भी अच्छी बात ये है कि दिस इज अ ग्रेनेड लॉन्चर. एंड इसका मतलब क्या है बताया गाइस, मैं अभी इसके बेस पे भेजने वाला हूँ बहुत सारे विदर. Let's go guys, let's shoot the withers. भाई ये क्या बंकर बस्टर है क्या? नहीं, this isn't बंकर बस्टर. ये जो एक ग्रेनेड लॉन्चर है, ये जो एक ग्रेनेड लॉन्चर है. क्या बना रहा भाई तू आजकल, क्या कर रहा है? ये एक्चुअली एक विदर कैनन है, क्योंकि मेरे को जो सेनपाई ने चैलेंज किया था उसने. माय गॉड भाई, ये कहां से लेके आ रहा तू अतरंगी चीजें? ये उसी बंदे ने मेरे को डिजाइन करके दी थी, क्यूबिक मीटर ने. कुछ टाइम पहले मेरे को चैलेंज किया था कि मेरा जो बंकर बस्टर है वो पानी और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई आई बिल्ड दिस. वेदर को फेस करा सकते हैं हम, अगर अगर किसी ने पेड्रॉक भी ले लिया ना सर्वाइवल मैन, उसे बेस भी बना लिया भाई, उसके अंदर भी वेदर को लॉन्च कर सकते हैं हम. लिटरली इट हैज नो फ्लॉज, जीरो फ्लॉज. क्योंकि ये विदर को ना फेस करता है ब्लॉक्स के थ्रू, तो जितना सा एरिया लोडेड रहता है उतना एरिया का पूरा बेडरॉक तक खोदा हुआ चाहिए, ताकि बेडरॉक के नीचे का साइड. इसका मतलब क्या पता है, इसके बाहर, इस रेंज के बाहर हम लोग एक बहुत बड़ा ऑब्सीडियन का वॉल भी लगा दे फिर भी विदर फेज हो जाएगा. लेट्स गो, इसे यूज करते. मेरे पास सेनपाई का बेस स्क्वाड इसने दिए चैलेंज करके, मैं उसके बेस से छोड़ने वाला हूँ. हाँ, उसने बोला है कि भाई दम है तो मेरे बेस को फोड़ के देखो, उसने ऑब्सीडियन से बनाया है, पता है? मैं तो गया था चेक करने. अरे इजीली टूट जाएगा फिर, विदर वाला लॉन्चर है तो ऑफकोर्स विदर वाला तो आराम से तोड़ देगा ऑब्सीडियन को. यस यस, एंड ये तो उसके अंदर जाएगा, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीज करके अंदर चला जाएगा. डैम ब्रो, डैम. यस, लेट्स डू इट. काफी ज्यादा इजी हो गया. सामने एक जगह पे वो मशीन हुआ करता था जहां से मैंने तोड़ के सामान लेके ये मशीन बनाया. एंड लेट्स गो, नाउ इट्स टाइम इसको वाई कोऑर्डिनेट भी सेटअप करना है. एंड आई थिंक सो मैंने वो ऑलरेडी करके रखा था. लेट्स सी बस वो कौन सा वाई कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट सही है कि नहीं, क्योंकि इस वाई कोऑर्डिनेट पर वेदर को लॉन्च करा जाएगा. लेट्स गो गाइस. एंड हाँ गाइस, मैंने कोऑर्डिनेट जो सही रखा है, मैं सोच रहा था जस्ट फॉर सेफ्टी एक हाइट इसका इंक्रीज कर ही देते हैं, वाई नॉट, इसको ये करके इसको चला देते. ये हो गया एक हाइट इंक्रीज इसका. एंड अभी हमें चलाना है मशीन को. तो गाइस, मैंने बल्कि से ऑलरेडी बहुत सारे विदर्स कल्स ले लिए थे बनाते वक्त, एंड मैंने इस मशीन में ऑलरेडी विदर्स कल्स डाल दिए. सो मेरे को जो करना पड़ेगा वो है, मैं इधर सोल सैंड लगाना, तो मैंने सोल सैंड ऑलरेडी लगा दिया है. विदर्स कल्स उसके अंदर है तो ऑटोमेटिकली प्लेस होते हैं. मैं कुछ ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं नीचे नहीं कर पा रहा. ओह शिट, ओके. सो विदर्स कल्स बहुत सारे हमने ऑलरेडी डाल दिए. नाउ इट्स टाइम, लेट्स गो एंड Let's use this machine. सबसे पहले उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे मेरे को अगर शूट करना है इस मशीन को, मेरे को इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. So let's configure this machine, guys. तो इसका कोर्स एंड फाइन मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, इसका काउंट मेरे को सेट करना है नीचे जाके. Let's go, guys. Let's do this. तो मेरे को 175 जो है काउंट में सेट करना है इधर. And there we go. Count is already set.
बस उधर मेरे को R2 का सेट करना है अभी. लेट्स गो. 10 66 एंड काउंट होगा 188. लेट्स गो एंड बूम. लेट्स गो गाइस. अभी बस ये बटन दबाना है, ये हो गया इसका काम चालू. गाइस क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है एंड एंड वॉर लाइक चालू होने ही वाला है, इसीलिए मेरे को इस मशीन के टेस्ट करने का टाइम एकदम ही नहीं है. सो मैं अभी इस मशीन का आधा पावर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को. सो सेनपाई एंजॉय 50% ऑफ माई पावर.